नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये नांद है और इसके कई प्रकार के फ़ायदे हैं, जिसमें आप अपने पशुओं को चारा, दाना, पानी सब कुछ इसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमारी जो हम कोई भी गौशाला या पशुशाला या फिर कोई डेयरी अगर हम नई प्रारंभ करते हैं, तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो ये होती है कि लो इन्वेस्टमेंट में हम अपना कार्य कैसे प्रारंभ करें। तो जब कोई भी भाई हमारे नई डेयरी स्टार्ट करते हैं, तो उस समय समस्या सबसे बड़ी आती है कि हम लो बजट में अपनी डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू करें। तो कई बार आप देख सकते हैं, इसमें छोटी छोटी जो ये नांदे हैं, ये आप अपने छोटे जो बछड़े हैं या फिर कटड़े हैं, कटिया हैं, जो डेयरी फार्मिंग में छोटे पशु हैं, उनके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करने, खड़ा करने में लग जाता है। और जिसमें एक मुख्य कारण जो है वो जो हम उसकी जो पशु की जो खाने की जो खोर बनाते हैं, जो हम उसकी जो चारा डालने का जो नांद बनाते हैं, उसमें भी हमारा जो है कई तरह से जो है पैसा ज़्यादा लग जाता है। और पैसा लगने के कारण जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो है बजट जो है सारा स्ट्रक्चर में चला जाता है और अच्छी नस्ल के पशु जो है वो नहीं खरीद पाते हैं पैसे की कमी के कारण। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो नांद है दोस्तों, ये नांद दो पशुओं के लिए पर्याप्त है और दोनों तरफ इसमें छोटे छोटे जो है कुंदे भी दिए गए हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, जिससे कि आप अपने पशुओं को इसमें बांध सकते हैं। तो पशु यदि चारा खाता है तो वो इससे बांध सकते हैं आराम से। और इस जो नांद का जो वज़न है वो 90 किलो से लेकर 100 किलो तक होता है, जिसमें पशु आराम से बंधा रहकर अपना जो है चारा खा सकता है और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सस्ता और अच्छा विकल्प है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। ये करीब 600-700 रुपये में दो पशुओं के लिए पर्याप्त नांद जो है उपलब्ध हो जाती है। यदि किसी भाई को बनवानी है या फिर लेनी है, तो मैं इनका जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर जो बाहर के किसान भाई हैं, वो अपने लोकल में किसी भी जहाँ ये इंटरलॉकिंग की टाइल्स बनती हैं, वहाँ पर इसको बनवा सकते हैं या फिर वो लेकर भी जा सकते हैं यहाँ से। इसमें ये जो अभी हम वीडियो जो शूट कर रहे हैं, ये मेरठ की वीडियो है और जो भाई बाहर के हैं उनके लिए शायद ये उपलब्ध ना हो पाए। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है ये कुंदा लगा हुआ है जिससे आप अपने पशुओं को बांध सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक विकल्प है कि जो आप अपने पशुओं के लिए रख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो पानी रखिए, चाहें तो अपने पशुओं के लिए चारा रखिए, इसमें आप कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं और सस्ते खर्च में एक पशु के लिए आप एक अच्छी नांद या फिर खोर का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि आपका पशु हेल्दी रहेगा और किसी भी तरह की जो है जो अतिरिक्त भार है जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो पड़ता है अतिरिक्त भार खोर बनाने का, जिसमें ज़्यादातर जो पैसा है वो कंक्रीट में, सरिया या फिर खोर बनाने में चला जाता है, तो वो पैसा हमारे किसान भाई अपना बचा सकते हैं। और ये एक बहुत ही सस्ता, सुलभ और लंबा चलने वाला खोर का एक विकल्प है जो हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आपको दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि हम इसी तरह की नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें और आपको जानकारी से अवगत कराते रहें।
तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर के की जानकारी में फिर